शुरू करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है प्रवाल भेतियाँ ठीक है एक छोटा सा पॉइंट बस बताते हैं और उसके बाद फिर इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं आ, अगर आप लोगों ने पहले मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने कुछ दिन पहले ये बात रखी थी कि अधिकतर साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस बार इस बार एल लिनों की संभावना है।, है ना ध्यान होगा आपको कल आ, एक रिपोर्ट आया था यूनियन का उस रिपोर्ट में यह बात रखी गई थी कि और फिर अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टिंग शुरू हो गई है कि साइंटिस्ट का मानना है कि इस साल इस साल एल नीनो की जगह ला नीना की स्थिति हो सकती है एल नीनो की जगह ला नीना की खुशी की बात है कि दुख की बात है ध्यान है ना खुशी की बात है तो अभी कुछ दिनों के बाद अगर ये पता चलता है कि साउथ अमेरिका के तट पे जो पेरू की धारा या हम्बोल्ड की धारा है वो और ठंडी हो गई तो इसका मतलब है आनंद ही अंदान है अब हम ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको क्या हम टॉपिक प्रवाल भित्तियाँ कर रहे हैं तो ला नीना के साल में प्रवाल भित्तियों या प्रवाल का विरंजन ज्यादा होगा या कम होगा और एल नीनो होता तो तो प्रवालों के लिए अच्छी खबर है नहीं तो अगर एल नीनो का साल होता तो विरंजन की घटनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा होती तो अच्छी बात है कि ठंडा रहेगा पानी अपेक्षा तो गर्म पानी भी पसंद नहीं है न बहुत ज्यादा ठंडा और न बहुत ज्यादा गर्म <coughs> प्रवाल प्रवालिया इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहते हैं महासागरों के वर्षावन कहते हैं समुद्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहीं पर पाई जाती है तो कहां पर जहां पर प्रवाल भित्तियां होती हैं तो इसका मतलब है इसका यह मतलब हो गया कुल मतलब यह हो गया कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया भर में जो समुद्र का सबसे ज्यादा उत्पादक प्रोडक्टिव क्षेत्र अगर कोई है तो वो प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र है तो प्रवाल भित्तियों का संरक्षण इंपॉर्टेंट है प्रवाल भित्तियों का हेल्थ अच्छा रहना वो पृथ्वी पे जैव विविधता को साधता है या जैव विविधता को लगातार बेहतर बनाए रखता है तो प्रवाल भित्ति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी कई बार इस पर सवाल पूछता है सवाल में आयाम क्या होते हैं सवाल पूछने के तो एक आयाम होता है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं उत्तरदायी तो कुछ फैक्टर्स आपसे पूछेगा कुछ तर्क रखेगा ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन एक तो ये पूछता है दूसरा प्रवाल भित्तियों का वितरण पूछता है कि अगर ये कंडीशन है तो दुनिया के किन किन हिस्सों में पाए जाता है तीसरा प्रवाल भित्तियों का संकट पूछता है प्रॉब्लम्स क्या है क्यों प्रवाल का विरंजन हो रहा है ज्यादा अपेक्षाकृत वो जानना चाहता है और चौथा इसको साधने के उपाय क्या हो सकते हैं <coughs> यानी कि जो संकट है इस संकट को साधने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वैश्विक रूप से क्या प्रयास चल रहा है भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं अगर इन तीन चार आयामों को लेकर के अगर आप तैयार रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी हाल ही में जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है ना आईसीआरआई आईसीआरआई ने अभी कुछ बातें रखी है यानी कुछ चीज़ों को लेकर के बात रखी है तो आईसीआरआई न्यूज़ में हो गया और अभी हाल ही में उसकी कुछ रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया तो यूपीएससी हो सकता है कि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट देकर के आई आई में या आईसीआरआई ने अभी प्रवाल भित्तों के बारे में जो कुछ बातें कही उसको लेकर स्टेटमेंट दे देगा आपके सामने है ना फिर आपको बताएगा जैसे यहां पर एक पॉइंट रख देते हैं आपके सामने कि जब हम लोगों ने क्लाइमेट जब हम जलवायु की चर्चा कर रहे थे तो आपके सामने क्या बत, बताया था कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन होता है अंटार्क्टिका में ओजोन रिपेयर हो रहा है या ओजोन का क्षरण तेज गति से हो रहा है छरण तेज गति से हो रहा है तो ओजोन होल बन गया क्या ओजोन होल रिकवरी की तरफ है रिकवरी की तरफ है या बढ़ रहा है बढ़ रहा है क्लास में पहले बताए थे कि रिकवरी की तरफ करंट रिपोर्ट बता रहा है बढ़ रहा है <aus Odd> क्लियर है तो मतलब कहने का मतलब है देखिए एक अभी एक साल पहले पढ़े थे तो रिपोर्ट कह रहा था कि डॉपसन यूनिट में मापा जाता है डॉप्सन यूनिट कितना है तो तीन सौ यूनिट को नॉर्मल uh. माना जाता है कि अगर तीन सौ यूनिट है इसका मतलब सॉरी ओजोन ठीक अभी तीन की जगह दो हो गया है, है ना मतलब दो है इसका मतलब है क्या है ओजोन होल है वो ओजोन पतला है और पहले की तुलना में वो छिद्र और भी ज्यादा पतला हो रहा है लेकिन 2018 से 22 का जो रिपोर्ट है 2014 से 18 का रिपोर्ट कहता है जो बाद में बीस इक्कीस में पब्लिश हुआ था कि ओजोन रिपेयर की तरफ है लेकिन करंट रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं ओजोन का जो छिद्र है वो बड़ा हो रहा है क्लियर हो गया तो लगातार आपको कहने का ये मतलब है डायनामिक टॉपिक है प्रवाल भी एक डायनामिक टॉपिक है लगातार आपको उसको करंट के साथ जोड़ करके पढ़ना है अब जैसे अगर हम इसको बात करें तो एक सिंपल सा टॉपिक है प्रवाल विरंजन ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है अगर हम इस प्रवाल विरंजन या प्रवाल को देखते हैं तो प्रवाल एक ऐसा जीव है जो कैल्शियम के स्ट्रक्चर का बना हुआ है किसका बना हुआ है कैल्शियम का <coughs> कैल्शियम का बना हुआ है ठीक है <coughs> तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर मतलब हमको अगर अपने शरीर से तुलना करनी हो तो हम अपनी हड्डी से तुलना कर सकते हैं कि हमारा हड्डी किससे बना हुआ है कैल्शियम तो इसका मतलब है कि प्रवाल नाम का जो जीव है वो मुख्यतः हमारी हड्डी जैसा है व्हाइट कलर का होगा है ना और किसका बना हुआ है कैल्शियम का बना हुआ अब जो प्रवाल है वो कैल्शियम के बने हुए हैं और कैल्शियम जैसे हमारा शरीर कोई कैल्शियम बड़ा बड़ा है बहुत छोटे छोटे कैल्शियम के जीव होते हैं कितने बहुत छोटे बहुत सूक्ष्म होते हैं अब बहुत सूक्ष्म होते हैं और इनको गर्म पानी में रहना पसंद है गर्म पानी मतलब 21-22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मैक्सिमम 26 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए तो ठीक है उसके बियॉन्ड अगर समुद्र का तापमान बढ़ता है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते तो 21 से 26 डिग्री के बीच में सर्वाइव कर जाते हैं अब बहुत सूक्ष्म है तो क्या समुद्र की लहरें इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भा सकती हैं तो पता चला कि गर्म स्थान से पहुँचते पहुँचते वो गल्फ धारा ले गया उसको इंग्लैंड के पास नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बेचारे ठंडी जगह पर पहुँच जाएगा और ठंडी जगह पर पहुँच जाएगा तो गुजर जाएगा तो ऐसी स्थिति में अगर गर्म जगह पर रहना है और बहुत सूक्ष्म है तो लहरों से बचने का तरीका क्या है एक साथ मिल जाए जाए अगर सारे जीव एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक सब कैल्शियम के स्ट्रक्चर बना ले तो मजबूत हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे तो उनको बहाया नहीं जा सकता इसलिए ग्रुप में रहना पसंद करते हैं क्लियर है क्योंकि अकेले रहेंगे तो पता चला ध्रुवों में पहुंच गए तो सर्वाइव तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनको ठंडा पानी नहीं पसंद क्लियर हो गया सिंपल है टॉपिक तो इसका मतलब है कि प्रवाल कैल्शियम के बने हुए अब इनकी समस्या ये है कि इनको घर बनाना आता है मतलब मिल करके रहना आता है और मिल करके रहना आता है तो जो सूक्ष्म जीव हैं इन कैल्शियम के बीच में पोर्स होते हैं जैसे देख रहे हैं ना ये बीच बीच में गड्ढे जैसे बने हुए तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लियर है अब एक जीव है जुजेंथले जुजेंथलों को ऐसा समझ लें एलगी है है ना क्या है शैवाल है फंगा कह सकते हैं उसको फंगी फंगा है ना पहले फंगी कहा जाता है आजकल फंगा शब्द दिया गया है तो एक प्रकार का फंगस है और फंगस हमेशा खराब नहीं होता है मशरूम जो हम खाते हैं वो फंगस होता है तो अच्छा भी होता है और दुनिया भर में जो आप देखते हैं ना काई लगा हुआ होता है वो काई भी फंगस का ही उदाहरण है तो फंगस इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब उनका एक महत्वपूर्ण रोल है तो ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं फंगस इनको खाने के लिए मछलियाँ आ जाएंगी तो मछलियों से बचना है तो क्या करें क्या इनके होल के बीच में जा के रहें अगर रहेंगे तो मछलियाँ पहुँच नहीं पाएंगी तो बेचारे आराम से जो भी इनका जीवन है अपना जीवन काट लेंगे ये अब प्रवाल कहता है कि मैं आपको घर तो दे दूंगा लेकिन मेरी समस्या है मुझे भोजन बनाना नहीं आता और फंगस है और फंगस क्या करता है इसको मिनरल ही तो एकत्रित करना आता है नेचर से क्या करता है रिसोर्सेस को अपने साथ एकत्रित कर लेता है। तो शैवाल कहता है कि देखो मैं घर दे रहा हूं आप मुझे भोजन दे दो तो जुजेंथले नाम का जो जीव है जो कि एक जो कि एक फंगस है है ना, ना? शैवाल का मतलब क्या होता है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी गलती से फंगस बोलती है हाँ, नहीं नहीं ठीक ठीक गलती से आ, फंगस बोल दिया एलगी एलगी का उदाहरण की क्लास में एलगी की महत्ता की चर्चा किए थे अगर कुछ बच्चे की क्लास में हो तो एलगी और एलगी के बारे में है ना तो एलगी एक इंपॉर्टेंट है कहते हैं ना कि फर्स्ट कॉलोनी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी और प्राइमरी सक्सेशन से पहले एक कॉन्सेप्ट कौन सा है पहली कॉलोनी जो बनाते हैं है ना प्राइमरी सक्सेशन ही कहा जाएगा तो प्राइमरी सक्सेशन के पहले जो पादप होंगे वो कौन होंगे शैवाल होंगे तो एलगी आ गया अब एलगी को ना मिनरल एकत्रित करना आता है वो अपने साथ मिनरल से एकत्रित कर पाता है प्रवालों को ये एकत्रण करना आता नहीं तो भोजन नहीं बना पाते तो जुजेंथले नाम का जीव जो कि एलगी है ये भोजन बनाता है और प्रवाल क्या है? करते हैं घर प्रोवाइड करते हैं तो एक घर देता है मतलब एक स्थान देता है रहने के लिए और दूसरा भोजन बनाता है तो एक दूसरे का पूरक है एक दूसरे की जरूरतें पूरे करते हैं इसी को हम सिम्बायटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं सह संबंध है ना जो एक कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता दूसरा कर सकता है वो पहला नहीं कर सकता लेकिन दोनों जो कर सकते हैं वो एक दूसरे के लिए जरूरी है तो एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा सकता तो इस स्थिति को हम सिम्बायटिक या सह संबंध का स्थिति कहते हैं तो यहाँ पर प्रवाल और प्रवाल और शैवाल या आप कह सकते हैं जुजेंथ वो एक सह संबंध या सिम्बायटिक रिलेशनशिप में रहते हैं अब जो शैवाल है आप कह सकते हैं जो जुजेंथले है या जो एलगी है एक ही मतलब है इनका ये जो है ये एल्गी काई की तरह है और अगर काई की तरह है तो क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी इसका मतलब है सूर्य की रोशनी इसको चाहिए तो ये प्रवालों को कहता है कि मैं वहीं रहूंगा जहां सूर्य की रोशनी पहुंच पाएगी अगर आपने अत्यधिक गहराई में घर बना लिया और वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची तो मैं नहीं रहूंगा तो एक भौगोलिक दिशा एक भौगोलिक दशा क्या चाहिए प्रवालों के विकास के लिए ज़्यादा गहराई में नहीं रह सकते कम गहराई कम गहराई मतलब जीरो से दो सौ मीटर या जनरली जीरो से साठ से सत्तर मीटर के बीच में पाए जाते हैं रीज़न सूर्य की रोशनी इनके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपना जो मिनरल फॉर्मेशन है जो ऊर्जा बना रहे हैं वो बना पाए तो प्रवाल जनरली कहाँ पाए जाते हैं कम गहराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं पहली बात दूसरा प्रवाल जो है या आप कह सकते हैं एलगी है अत्यंत मतलब एक पार्टिकुलर क्लाइमेट में रहने में है मतलब एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन इनमें है और चूंकि ये दोनों ही जीव बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे हैं तो अगर पॉल्यूशन की मात्रा तट के पास ज्यादा हुई तो इसका मतलब है कि गाद बालू मिट्टी इनके ऊपर खूब निक्षेपित होगा तो इनका माउथ क्या होगा क्लॉग हो जाएगा मतलब मुंह बंद हो जाएंगे और उस पर ऊपर निक्षेपण होगा तो जो फोटोसिंथिस क्रिया है प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगी तो उन क्षेत्रों को अवॉइड करते हैं जहां पर गाद बालू मिट्टी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है इसीलिए नदी के डेल्टाई क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में पानी उथला होता है कहाँ पर डेल्टाई क्षेत्रों में लेकिन नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में हमको प्रवाल देखने को नहीं मिलते चाहे गंगा का डेल्टा हो चाहे महानदी का डेल्टा हो चाहे कृष्णा गोदावरी का हो चाहे कावेरी का हो यहाँ पर हमको प्रवाल देखने को नहीं मिलते तर्क गाद बालू मिट्टी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है जो उनके माउथ को क्लॉक करता है बंद करता है तीसरा कोई भी जीव एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में रहने में अभ्यस्त होता है तो अगर तापमान जरूरत से ज्यादा हो जाए और कम हो जाए तो नहीं रह पाएंगे इसलिए जीरो से तीस डिग्री चूंकि इनको गर्म पानी पसंद है तो इक्कीस से छब्बीस डिग्री सेल्सियस के आसपास का सामुद्रिक तापमान हमको मुख्यतः जीरो से तीस डिग्री के अक्षांश में देखने को मिलता है किसके बीच में जीरो से तीस यानी कि विश्व रेखा से तीस डिग्री के अक्षांश के बीच में जिसको हम उष्ण क्षेत्र कहते हैं इसलिए दुनिया में मैक्सिमम प्रवाल कहा पाए जाते हैं उष्ण गटिबंधीय क्षेत्र में क्लियर है इसके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा और इनको ठंडा पानी नहीं पसंद तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं उसको अवॉइड करते हैं तीसरा हमको मालूम है कि जीरो से तीस डिग्री का जो अक्षांश है जीरो से तीस डिग्री का जो अक्षांश है समुद्र का उसमें दो प्रकार की धाराएं होती हैं गर्म जल की धाराएं और ठंडे जल की धाराएं इनको ठंडा पानी नहीं पसंद है तो इसका मतलब जहां जहां पर भी ठंडे जल की धाराएं होंगी यहां पर हमको देखने को नहीं मिलेंगे तो अफ्रीका का जीरो से तीस डिग्री का अक्षांश है ना उसका पूर्वी तट और पश्चिमी तट तो हमको मालूम है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जीरो से तीस डिग्री के बीच में ठंडा पानी है बेंगवेला की धारा है तो वहां पर प्रवाल नहीं पाए जाएंगे और अफ्रीका के पूर्वी तट पे मोजम्बेक की धारा है तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी है तो यहाँ पर पूर्वी तट पे हमको प्रवाल देखने को मिलेंगे सेम सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया का होगा पूर्वी तट पे मिलेगा पश्चिमी तट पे नहीं मिलेगा सेम सिचुएशन साउथ अमेरिका का होगा मुख्यतः या तो विश्वत रेखा के पास थोड़े बन जाएंगे विश्वत रेखा के पास अगर थोड़ा वहाँ गर्म पानी हुआ अदरवाइज मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे पूर्वी हिस्से में पाए जाएंगे जहाँ पर गर्म जल की धारा पाई जाती है सेम सिचुएशन नॉर्थ अमेरिका में होगा कैरिबियन द्वीप गर्म पानी है और उसके उस तरफ कैलिफोर्निया की धारा है मतलब नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम वहां पर नहीं पाए जाए इसका मतलब है कि जीरो से तीस डिग्री के अक्षांश में भी कहाँ पाए जाते हैं गर्म पानी वाले क्षेत्रों में ना कि ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि समुद्र का जो औसत लवणता होता है जैसे एक लीटर पानी है एक लीटर पानी में कितना ग्राम लवण है तो तीस से चौंतीस ग्राम औसत है सागर का इतने लवणता में रहने में ये अभ्यस्त है इससे ज़्यादा हो इससे कम हो वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते है। क्लियर है तो दोनों ही स्थितियां इनके लिए अच्छी नहीं है तो कुल मिलाकर के ये कुछ भौगोलिक दशाएं हैं जो प्रवालों को पसंद हैं और इन क्षेत्रों में ये रहना पसंद करते जहां पर भी ये कंडीशंस मिल जाएंगे वहां ये रहना पसंद करते ये हो गया अब प्रवालों के लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए उसका हम लोगों ने एक बात समझ लिया अब यहां पर जो प्रवाल हैं दो प्रकार के हैं हार्ड और सॉफ्ट कौन से हार्ड और सॉफ्ट अब लॉजिकल लॉजिकली सोचते हैं आराम से सोचते हैं क्या समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है टू? ठीक है होगा ना वायुमंडल में जैसे जैसे सीओ टू बढ़ेगा वैसे वैसे समुद्र में भी सीओ टू बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि वायुमंडल लगातार या बहती हैं और पहने बहती हैं तो वायु पवनों के साथ मिक्स वायु जो है समुद्र के साथ मिक्स होगा मिक्स होगा तो उसके पास जो है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है सबको पानी में डालता रहेगा तो इसका मतलब है कि अगर अगर वायुमंडल में सीओ टू की मात्रा बढ़ती है तो महासागरों में भी सी टू की मात्रा बढ़ेगी और एक बार जब महासागरों में सी टू पहुंच गया तो ये ऊपर सतह पे रहेगा धीरे धीरे करके सिंक करेगा नीचे जाएगा सहमत है ना इस बात से है ना तो इसका मतलब है कि महासागरों के नीचे लगातार कार्बन का स्टॉक बढ़ता चला जाएगा अब पॉइंट यह है कि क्या कार्बन कार्बन पानी के साथ रिएक्ट करता है मतलब सी ओ टू क्या पानी के साथ रिएक्ट करता है मतलब एच टू ओ पानी हो गया और सीओ टू सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो एच टू ओ जब सीओ टू के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा एच टू थ्री जिसको हम क्या कहते हैं अम्ल कौन सा कार्बोनिक अम्ल कार्बोनिक एसिड तो क्या कार्बोनिक एसिड कैल्शियम को पिघला सकता है या कैल्शियम को तो अपने साथ घोल सकता है और ये किसके बने हुए कैल्शियम के बने हुए बने हुए तो कैल्शियम के अगर बने हुए हैं तो कैल्शियम के साथ या जो कैल्शियम का स्ट्रक्चर है अगर कार्बोनिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण तो ऐसा होगा ही क्योंकि सी टू की मात्रा बढ़ रही है तो वायुमंडल का सी टू महासागरों में तो पहुंचेगा ही पहुंच गया पहुंच गया तो उसमें ऐड हो रहा है अब ऐड हो रहा है तो क्या महासागर अम्लीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे और अम्लीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो क्या ये अम्ल कार्बोनिक एसिड निचले हिस्से में ज्यादा बढ़ता बैठता जाएगा तो क्या जो प्रवाल नीचे होंगे अगर वो मुलायम हुए तो क्या जल्दी से उनको ब्रेक किया जाएगा और हार्ड हुए तो समय लगेगा तो प्रवाल हार्ड वाले नीचे मिलने चाहिए या ऊपर मिलने चाहिए नीचे मिलने चाहिए और सॉफ्ट वाले सिंपल हो गया तर समझ गए वही लिखा हुआ है कठोर प्रवाल और मृदु प्रवाल बढ़े आगे हार्ड बनना पड़ेगा ना जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा है कि नहीं अब जैसे आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे जब डीएम बन जाएंगे तो हमेशा मृदु व्यवहार करेंगे या थोड़ा हड़काना भी पड़ेगा पड़ेगा ना नहीं और आईपीएस बन गए तो रात दिन हड़का ही रहे क्या मतलब करना पड़ेगा ना मतलब स्वभाव यह है कि यार किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं या किसी को कुछ बोल मतलब उल्टा नहीं बोल रहे और पता चला कि यार बिना बोले काम ही नहीं चल रहा है आई बनेंगे तो कितना जितने लफंगा चोर उचक्का होगा सब आप ही के पास आ रहे होंगे ना नहीं समाज का सबसे जो आप कह सकते हैं कि समाज का जो सबसे बैड एलिमेंट है उसको आप सुबह से शाम तक डील कर रहे हैं नहीं तो डील कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा हार्ड भी तो बनना पड़ेगा है कि नहीं उनके लिए कुछ अलग व्यवहार करना पड़ेगा कुछ डराना पड़ेगा कोई एक बच्चा है होली में हुड़दंग करके एक महिला को छेड़ दिया तो क्या करेंगे उसको हाँ, बेटा ऐसा मत किया करो ऐसा करना गलत है ऐसे समझाए है ना? दोस्त तो देना पड़ेगा ना नहीं मतलब समझाना तो पड़ेगा सॉफ्टली तो काम नहीं चलेगा और अगर पता चला कि ये तो इसका व्यवहार हमेशा ही यही रहता है गुंडा एलिमेंट है मतलब वो उसमें रजिस्टर्ड हो कि इसका व्यवहार पहली बार नहीं है बार बार किया है फिर क्या करेंगे फिर विदा विदाउट वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ करेंगे है कि नहीं नहीं कहने का मतलब है कुछ तो करना पड़ेगा डेटरेंस भय का भाव होना चाहिए अब उसको कहेंगे कि भाई यत्र नारित्व गृहन्ते रमनते तत्र देवता <laughs> तो समझेगा क्या कि जहाँ स्त्री व सम्मान होता है वहां भगवान का निवास होता है समझ में आएगा क्या उसको नहीं है एक बार बोल भी देंगे लेकिन जब देखेंगे नहीं है तो करना पड़ेगा क्या करेंगे मतलब आपको उस सब चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आप समाज का कुरूप चेहरा भी देखेंगे और देखेंगे तो उसके लिए भी आपको मेंटली टफ बनना पड़ेगा ज़्यादा लोड ले, ले लेंगे तो पता चला एक थप्पड़ मार के आए और सुबह से शाम तक क्यों मार दिया नहीं मारना चाहिए था लोड लिए पड़े सुबह से शाम तक बीपी बढ़ जाएगा मार दिया मार दिया काम खत्म फिर आएगा फिर मार देंगे फिर ऐसा करेगा फिर करेंगे क्या क्या कह जाए मतलब आपको दोनों ही चीजें इसीलिए कहा जाता है कि लॉम जो है ना रिफॉर्मेटिव भी है और डेटरेंस का भी भाव है रिफॉर्म का मतलब है कि उसको बदलने का भी प्रयास करता है लेकिन हीनियस क्राइम है तो उसमें भय का भाव भी क्रिएट करता है तो आपको वैसे दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मतलब दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा तो यहां पर सेम सिचुएशन है ये बेचारा प्रवाल जो है वो अम्ल को झेल रहा है अम्ल को झेल मर रहा है और कहता है प्लीज अम्ल मत पिघलाओ है ना मर जाऊंगा गुजर जाऊंगा तो उसको खुद अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे हार्ड बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो क्या होगा जल्दी से घुल जाएगा तो हार्ड और सॉफ्ट कोरल का कॉन्सेप्ट निकल कर के आया जहां जहां पर भी अम्ल बढ़ेंगे तो क्या हार्ड कोरल्स बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट सोचें आराम से सोचिए और बताइए कि क्या क्या जलवायु परिवर्तन सीओ टू के बढ़ना एक मूल कारण है जलवायु परिवर्तन का ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे महत्वपूर्ण गैस सीओ टू है तो अगर वायुमंडल में सीओ की मात्रा लगातार बढ़ रही है तो क्या समुद्र का अम्लीकरण बढ़ेगा और समुद्र का अम्लीकरण बढ़ेगा तो कोरल्स को जीवित रहना है तो क्या उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा क्या उनको हार्ड कोरल्स में अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा क्लियर है अब यहाँ पर वही है प्रवाल की प्रवाल भितों की उत्पत्ति का विकास और ये <laughs> मतलब एक कि प्रवालों का विकास कैसे होता है <coughs> तो एक जो दीप समूह है उसमें मैंने एटोल्स शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि प्रवाल भित्ति वाली क्लास में मतलब प्रवाल भित्ति वाले टॉपिक में चर्चा करता हूं तो यहाँ पर सिंपल ये है कि प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार की होती मतलब प्रवाल जो होते हैं वो तीन प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं एक को कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति दूसरे को कहा जाता है फ्रिंजिन रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरे को कहा जाता है एटोल्स है ना तो दुनिया भर में तीन प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने किया था डार्विन ने वही ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाले तो डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मतलब डार्विन आइलैंड आइलैंड के बारे में को पढ़ रहे थे और गेल्पागोस के आइलैंड के आसपास उन्होंने देखा कि प्रवाल भित्तियां हैं या प्रवाल से बने द्वीप हैं तो उन्होंने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की मतलब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब गेल्पोगोस आइलैंड के को आधार बना करके लिखा गया उसके आसपास जीव जंतु का मतलब विकास कैसे तो वहां जब आइलैंड्स का अध्ययन कर रहे थे तो इनको कुछ प्रवाल द्वीप मिले तो प्रवाल द्वीप मिले तो उन्होंने कुछ द्वीपों को देखा कि इनका स्वरूप अलग है दूसरे का स्वरूप अलग है तीसरे का स्वरूप अलग है तो उन्होंने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की और उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि प्रवाल प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार की होती हैं हैं अब इसको समझते कि आप प्रवाल उथले सागर में रहते हैं इमेजिन करें कि महासागर है महासागर में होंगा टोंगा हो गया मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया मैग्मा बाहर आ रहा है आ रहा है आ रहा है समय के साथ साथ वो समुद्र के बाहर आ गया आइलैंड बन गया अब प्रवाल का एक खुफिया एक प्रवाल घूम रहा होगा दुनिया भर में खोज रहा होगा कि यार कॉलोनी कहाँ बना सकते हैं तो देखा कि क्या है आइलैंड बन गया आइलैंड बन गया तो यहाँ पर सागर क्या हो गया उथला हो गया इसके तट के किनारे समुद्र की रोशनी पहुंच रही और जब नहीं पहुंच रही थी मतलब जब आइलैंड नहीं था तो वहां प्रवाल नहीं बन सकते थे क्योंकि समुद्र क्या था बहुत गहरा था जैसे ही वहाँ आइलैंड बना प्रवाल ने देखा कि यार अब मेरा वाला कंडीशन हो गया 200 मीटर की गहराई वाला पानी मिल जाएगा क्लियर है तो क्या यहां पर कॉलोनी बननी शुरू हो जाएगी और कॉलोनी बननी शुरू हो जाएगा तो इस आइलैंड के चारों तरफ क्या आइलैंड के चारों तरफ क्या ऐसी आकृति बन सकती है तो आइलैंड के चारों तरफ ऐसी आकृति बननी शुरू हो गई क्लियर है तो इसको हमने क्या कहा तटीय प्रवाल भित्ति इस तट के साथ साथ प्रवाल भित्ति का विकास होना शुरू हो गया क्लियर हो गया अब समय के साथ साथ ज्वालामुखी का विस्फोट शांत हो गया जो भी नीचे मैग्मा था वो सब खत्म हो गया तो क्या अब इस आइलैंड का अपर्दन होना शुरू होगा और आइलैंड का अपर्दन शुरू होगा तो प्रवाल बने थे और प्रवाल द्वीपों से सट करके बने होंगे लेकिन सबसे पहले अपर्दन ऊपर वाले का नहीं होगा नीचे वाले का जहाँ पर समुद्र की लहरें हिट कर रही हैं तो क्या प्रवाल तो क्या <coughs> ये जो प्रवाल है ये जो प्रवाल है इस प्रवाल और इस प्रवाल और ये आइलैंड क्या इसके बीच में कुछ गैप क्रिएट हो सकता है हो सकता है गैप क्रिएट तो क्या इस गैप को हम यहाँ ऐसे बता सकते हैं कि बीच वाला हिस्सा है जो यहाँ तक जमीन रहा होगा या आइलैंड रहा होगा उसका अपर्दन हो गया तो क्या प्रवाल और आइलैंड के बीच में एक पतला सा झील बन सकता है झील का मतलब है पुलिकट लेक है ना चिल्का लेक जैसा जो कि अंदर की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा झील जा मतलब मुख्य समुद्र प्रवाल और फिर उसके बाद सागर जो कि थोड़ा कट ऑफ होगा और बीच बीच में कहीं पर प्रवाल टूटे हुए होंगे तो वहां से समुद्र का पानी उस झील तक पहुँच पा रहा होगा यह हो रहा होगा ऐसा क्या समय के साथ साथ ये आइलैंड का अपर्दन और होता चला जाएगा और होता चला जाएगा तो क्या ऐसी आकृति बन जाएगी कि बीच वाला जो हिस्सा है वो अपर्दित हो गया और उसके चारों तरफ ऐसा कुछ रह गया प्रवाल ऐसा प्रवाल इसको हमने एटोल कहा एटॉल फॉर्मेशन ये सब जमीन के नीचे हो रहा है मतलब समुद्र के नीचे हो रहा है कि समुद्र के ऊपर हो रहा है समुद्र के ये ये समुद्र के ऊपर बन रहा है मतलब ये प्रक्रिया कहाँ हो रही पहले ये बताए प्रवाल तो नीचे ही रहते हैं ना कि क्या कहेंगे पानी के बाहर रहूंगा उथले पानी में रह रहे तो ये सारी प्रक्रिया समुद्र में हो रही हो रही अब ये सब बन गए बीच का आइलैंड अपर्दित हो गया ऐसा कुछ बन गया तो इसको हमने कहा तटीय प्रवाल भेजती बीच में गैप क्रिएट हो गया तो हमने कहा बाधा बैरियर क्योंकि मुख्य पानी जो अंदर का पानी है वो मुख्य पानी से बाहरी समुद्र से पूरी तरह से जुड़ा नहीं है एक बाधा हो गया प्रवाल क्लियर हो गया तीसरे वाले में पूरा आइलैंड ही गायब हो गया इसको हमने क्या कह दिया एटॉल अब ये बताइए अगर इस क्षेत्र में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाए कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाए तो क्या ये हिस्सा समुद्र से बाहर आ सकता है तो क्या इसको आइलैंड कह देंगे ठीक है प्रवाल जमीन के बाहर नहीं कि जमीन के बाहर घर बनाना शुरू कर दिया जमीन के नीचे ही बना रहे लेकिन किसी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या होगा अगर ये हिस्सा ऊपर उठ जाए तो हम इनको क्या कहेंगे एटॉल आइलैंड एटॉल से बना हुआ द्वीप अब प्रवाल द्वीप थोड़ी ना बनाते हैं प्रवाल तो नीचे रहते हैं लेकिन अगर कोई भी टेक्टोनिक इवेंट हुआ तो ये ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे एटॉल आइलैंड कह देंगे अगर ऊपर आ गया तो हम इसको कह देंगे कि यार ग्रेट बैरियर रीफ का उदाहरण है मतलब ऐसी कुछ स्थिति है बीच में अभी भी आइलैंड है और ये वाला हिस्सा भी ऊपर आ गया तो हम ग्रेट बैरियर रीफ आइलैंड कह देंगे और अगर समुद्र के अंदर ऐसा नजर आया तो हम कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ आइलैंड नहीं कहेंगे समझ गए तो आइलैंड भी हो सकता है समुद्र के नीचे भी हो सकता है ये जो व्याख्या हो रही है वो समुद्र के नीचे की हो रही है कि समुद्र के नीचे प्रवालों की आकृति कैसी है तट से दूर है तट के पास है तट के पास है तो तटीय प्रवाल भित्ति तट और प्रवाल भित्ति के बीच में समुद्र आ गया इसका मतलब इसका अपर्दन समय के साथ हुआ होगा बैरियर बाधा हो गया और पूरा आइलैंड अपरदित हो गया और ये हिस्सा ये हिस्सा वैसा ही है बीच तो ये जो बना उसका नाम क्या पड़ गया एटोल और अगर ये भूकंपीय जो भी गतिविधियां हुई उससे ऊपर आ गया तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा एटोल आइलैंड्स तो यहां पर प्रवाल तीन प्रकार के हो गए कौन कौन से तटीय प्रवाल भीति अवरोधक और, और वलयकार रिंग जैसा है कि नहीं हॉर्सू शेप या रिंग जैसी आकृति बन जाएगी देखिए रिंग का मतलब है अर्ध भी हो सकता है कार भी हो सकता है पूर्ण वृतकार भी हो सकता है लेकिन बीच में आइलैंड नहीं होगा सर अगर अपरदन होगा तो गाद बालू मिट्टी भी तो वहां पे ज्यादा हो सकते हैं और विरंजन भी हो सकता है हो सकता है ये तो जो एटोल आइलैंड बाहर आ गए हैं वो जीवित थोड़ी ना yes. विरंजन हुआ व्हाइट कलर के तो जीव जंतु अब नहीं है लेकिन प्रवाल तो रहेंगे ना yes. ये बताइए <laughs> जिसको भोजन बनाना आता है है ना वो कौन है शैवाल है ये जुजेंथले है उसने देखा कि कंडीशन गड़बड़ा गया है यहाँ पर गाद बालू मिट्टी है तो बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया क्लियर है वो बोला थैंक यू टाटा बाय बाय वो गया प्रवालों का क्या होगा वहीं रहेंगे ना क्योंकि सीमेंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर बना कर रहे और इस स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया है अब वहाँ से हिल भी नहीं सकते तो वहीं उनका जीवन है अगर प्रवाल रहे तो ऐसे हरे भरे होंगे अगर प्रवाल रहे सॉरी जुजेंथले रहे तो ऐसा शैवाल रहे तो ऐसा हरा भरा रहेंगे रंग कौन देता है शैवाल और अगर नहीं हुआ तो वाइट कलर के रह जाएंगे तो विरंजन हो जाएगा लेकिन रहेंगे तो ज़रूर है कि नहीं तो इसी को हमने क्या कहा फ्रिंजन रीफ बैरिया रीफ और ऑल हो गया एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि बस है ना मालदीव तो है ही बाकी कभी तो एग्जाम्पल होना चाहिए है ना बाकी का भी एग्जाम्पल होना चाहिए तहीती और डारविन इंसो एल दिनो सदरन ऑसोलेशन दो लोकेशंस पे प्रेशर को मापा जाता है टेम्परेचर को मापा जाता है वो तहिती आइलैंड जो है वो किसका एग्ज़ाम्पल है फ्रिंजिन रीफ का ठीक है क्लियर है बढ़े आगे इसी में जो दुनिया का सबसे शानदार एग्जाम्पल बैरियर रीफ का है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया इससे बड़ा बैरियर रीफ कहीं नहीं है तो ग्रेट बैरियर रीफ दूसरे वाले का उदाहरण हो गया यानी कि बैरियर रीफ और इसके बीच में एक उथला सागर होगा क्लियर है बैरियर रीफ हो गया अब उसका समस्या जो भी है चर्चा किए थे क्लास में समस्या को छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं बैरियर रीफ के बाद एटोल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा मालदीव और भारत का लक्षद्वीप इसीलिए तो बिचारे चिड़चिड़ा रहा है वही जाकर के कह दिए थे ना यही बात कहे थे ना कि लक्षद्वीप मतलब भारत को बाहर भारतीय लोगों को बाहर जाने से पहले लक्षद्वीप को भी देखना चाहिए तो वैसा ही सुंदर नजर आएगा जब समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग करेंगे समुद्र के नीचे जाएंगे तो वैसा ही जैव विविधता नजर आएगा जैसा मालदीव्स में आएगा तो मालदीव्स को क्या लगा भारत मेरे पेट पे लात मार रहा है सबसे ज्यादा भारतीय आते हैं ना वहाँ पर तो उसको लगा कि सब लक्षद्वीप चले जाएंगे तो मालदीव्स कौन आएगा तो टूरिज्म से ही तो मालदीव्स की अर्थव्यवस्था चलती है सर्विस बेस्ड इकॉनमी है तो कुछ मिनिस्टर ने उल्टा सुलटा बोलना शुरू कर दिया है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम हो गया तो अभी हमने कहा कि पैसा दो जो पैसा दिए थे छः बिलियन डॉलर दिए हुए एक बिलियन का मतलब छः करोड़ होता है है ना तो समय आ गया है हर महीने वापस करना होता है ना तो अब देखिए उसका टोन बदल गया है ना प्रेसिडेंट का कह रहे कि नहीं भारत से अच्छा कोई मित्र नहीं है भारत बड़ा सहयोगी है सुने कि नहीं है ना जैसे ही हमने बोला वैसे ही क्योंकि पैसा देगा तो देगा कहाँ और दे भी दिया ना तो चीन से ही लेकर के देगा और तो कोई देगा भी नहीं उसको तो चीन से लेकर के देगा तो ऋण जाल में फंस जाएगा पूरी तरफ और जब पूरा गले तक फंसेगा तो फिर दौड़ेगा भारत की तरफ है ना कि प्लीज ऐसा ऐसा हुआ 2018 में ऐसा ही हुआ था ना है ना सेम सिचुएशन तो पाँच साल और बीतेगा तो शायद समझ में आएगा लेकिन द पॉइंट इज एट ऑल मालदीव उसका उदाहरण है भारत में लक्षद्वीप उसका उदाहरण तो सबका उदाहरण थोड़ा थोड़ा आपके पास होना चाहिए ये तीन प्रकार के हैं दुनिया में तीनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं ये था हमारा फ्रेंजिन रीफ बैरियर रीफ और एटोल का कॉन्सेप्ट अब इसमें जो पॉइंट है वो ये है 29 लिखा है 26 कर लीजिएगा कहां लिखा हुआ है दिखाए नहीं थे अंडमान निकोबार आइलैंड या जब भी एल नीनो का समय आता है तो 26 छब्बीस के बियॉन्ड अट्ठाइस उनतीस टेम्परेचर बढ़ता है तो विरंजन होना शुरू हो जाता है और उसमें तीन तरह का विरंजन बताए थे है ना कैथोस्ट्रॉफिक भी बताए थे जब तापमान अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनतीस डिग्री लिख दिया होगा लेकिन जनरली एनसीआर की किताबें देखेंगे ना तो उसमें छब्बीस सत्ताईस डिग्री सेल्सियस लिखा होगा अब हमको नहीं पता कि वो स्रोत क्या है और यहाँ उनतीस लिखा है तो ठीक कर लीजिएगा हम कभी उनतीस तो बोले नहीं है ना कभी बोले हैं क्या है ना तो स्टैंडर्ड बुक्स में यही छब्बीस सत्ताईस डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है दो डिग्री सेल्सियस बहुत होता है जीरो जीरो पॉइंट वन के बीच में बर्फ पानी हो जाता है ना तो मसला तो दो डिग्री का है है कि नहीं तो दो डिग्री सेल्सियस अपेक्षा के ज्यादा है और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने प्रवाल विरंजन के संदर्भ में एल दिनों के साथ जोड़ करके भी बताया था ना नाइनटीन में दो में दो में और उसमें उसी तापमान के अंतर को बताए थे कि पहले ये तापमान था अभी ये तापमान है तो उनतीस डिग्री सेल्सियस पर तो विरंजन होना शुरू हो जाता है अपेक्षा गुड इवनिंग सर हाँ सर अभी चौबीस में भी हुआ है सर ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल रंजन तो इसका क्या कारण है सर क्योंकि अलिनो तो अभी आया नहीं है सर मतलब ऑस्ट्रेलिया करना ही पड़ेगा कुल मिला के है ना? हमने बार बार कहा बताया भी था इसको कि जैसे हमने प्रवाल भी प्रवाल के बनने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होंगी उसमें से क्या केवल तापमान है या कुछ भी है? और भी बातें और भी बातें ये ये जो क्षेत्र है ये जहाँ लाल लाल कलर है लाल मतलब खतरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी हिस्सा है ये क्विंसलैंड प्रोविंस है एक राज्य है जिसका नाम है क्वींसलैंड ठीक है इस राज्य में माइनिंग सबसे ज्यादा होता है कोयले का और लोहे का मुख्यतः कोयले का और माइनिंग होता है तो ये पोर्ट डगलस और क्रेन्स ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जिसके माध्यम से जापान को कोयला सार्वधिक जाता है और भारत को भी कोयला आता है तो कोयला आएगा तो क्या धूल और राख की मात्रा ज्यादा होगी और धूल और राख की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या ये हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो केवल टेम्परेचर ये फैक्टर नहीं है अन्य कारक भी जिम्मेदार कारक तो इसलिए केवल 2024 में ही नहीं लगातार इस क्षेत्र में विरंजन की घटनाएं देखने को मिल रही तो टेम्परेचर के अलावा क्या प्रदूषण को भी साधने का प्रयास किया जाना चाहिए है ना वो फैक्टर है इसको रिवर्स कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है रिवर्स मतलब इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा मिनरल रिसोर्सेज को लेकर के नीतियाँ बनानी पड़ेंगी प्रभावी रूप से नहीं तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा नहीं नहीं होगा तो विरंजन की घटनाएं सर द्वीप जो बनते हैं यहाँ से हाँ हाँ समझ रहे हैं सर द्वीप जो बनते हैं महासागरों में तो उसके चारों तरफ पड़वाल अपना घर बनाते हैं शुरुआत वैसे ही हो शुरुआत में है। है। तो इसमें इसका क्या लॉजिक बनता है वैसे भी अगर जहाँ गर्म पानी मिलेगा छब्बीस डिग्री सत्ताईस डिग्री के आसपास तो वो अपना घर तो बनाएगा ही वहाँ मतलब जुंथले भोजन बनाएगा जुझेंथले गर्म पानी उसको गर्म पानी चाहिए कि सूर्य की रोशनी चाहिए सूर्य की रोशनी चाहिए और सूर्य की रोशनी उथले पानी में पहुंचेगा या गहरे पानी में उथले पानी में ही पहुंचेगा तो वहाँ पे ये द्वीप का क्या महत्व बन जाता है वैसे भी तो उथले पानी में तो बना ही लेगा जुंथले जैसे कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये तहीती है हम्म प्रशांत महासागर के लगभग बीचों बीच में मतलब प्रशांत मतलब साउथ अमेरिका के तट से थोड़ा दूर है अगर ये आइलैंड नहीं है ये आइलैंड नहीं है जिस भी कारण से बना ज्वालामुखी क्रिया से बना नहीं है अगर नहीं है तो क्या यहां समुद्र गहरा है अगर गहरा है तो क्या प्रवाल यहाँ घर बना पाएंगे अगर घर बना भी लिए गहराई पे तो क्या जुजेंथली आके रहेगा और जैसे ही आइलैंड बना तो इसका मतलब है कि लावा का निक्षेपण हुआ होगा तो जितना बाहर है आगे भी तो हल्का हल्का स्लोप बना करके गया होगा तो क्या एक ढाल मिल गया और ढाल मिल गया और पानी मिल गया जिसकी गहराई दो सो सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है तो बिना मंच के बिना प्लेटफॉर्म के प्रवाल कैसे घर बनाएंगे इसका मतलब जहाँ द्वीप नहीं होगा वहाँ पे परवाल घर नहीं बना पाएगा जहाँ उथला सागर नहीं होगा वहाँ नहीं बनाएंगे तटों के किनारे भी बना सकते हैं उथला सागर में बनाएगा ना उथला सागर में बनाएगा तो जहाँ द्वीप नहीं रहेगा तो वहाँ नहीं बनाएगा द्वीपों के अलावा तटीय क्षेत्रों में भी बन सकता है तटीय क्षेत्र को छोड़ के अगर बनाना चाहे तो अगर उथला सागर नहीं उथला सागर मिले लेकिन द्वीप ना रहे उथला सागर मिले उतला सागर मिले लेकिन द्वीप द्वीप ना रहे तो क्या तो क्या बनेगा तो की भूमिका लैंड निभा निभा रहा है, जमीन निभा रहा है है जमीन जमीन प्रवालों को चाहिए जमीन, कम गहरा पानी चाहे वो तट के किनारे मिल जाए चाहे वो आइलैंड के किनारे हो जाए मतलब दो ही कंडीशन में हो सकता है या तो तट के किनारे बने कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है या तो तट के किनारे बने या तो द्वीप द्वीप होना चाहिए और तीसरा कहा बनेगा ठीक है सि है कि नहीं तीसरा और कहा मतलब और हम सोचे ऐसे भी जहाँ पे उथला सागर हो जैसे कि इंडोनेशिया के आसपास बन सकता है वहां पे भी बन सकता है ये अपना बंगाल की बांग्लादेश में के नीचे जो है बंगाल की खाड़ी वहां पे भी बन सकता है अगर आ, गाद बालू मिट्टी आएगा तो कैसे बनेगा ठीक है सर थैंक यू कॉन्सेप्ट वही है उथला सागर चाहिए तो जमीन के किनारे उथला सागर हो लेकिन गाद बालू मिट्टी से मुक्त होना चाहिए अब देखिए होता क्या है भारत का जो तट है ना भारत के तटों के किनारे समस्याएं अभी देख लेंगे भारत के तट के पास प्रॉब्लम यह है कि एक तो पूर्वी तट पे थोड़ी थोड़ी दूर पे डेल्टाई क्षेत्र है दूसरा इसको शांत पानी चाहिए बहुत ज़्यादा ऐसा पानी नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो नहीं तो क्या होगा प्रवाल डैमेज होंगे टूटेंगे और हमको मालूम है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जून के महीने में अत्यंत तेज गति से हवाएँ चलती हैं और तेज़ गति से हवाएँ चलती हैं तो समुद्र बहुत रफ होता है मतलब हवाएं तेज गति से चलती है इसलिए भारत के तटीय क्षेत्रों पे अपेक्षाकृत हम देखते हैं कि प्रवालों का विकास बहुत मतलब कम है अपेक्षाकृत क्योंकि पवनों की गति तेज है जिससे डैमेज ज्यादा होता है इसलिए बहुत ही सीमित जगह पे हम देखते हैं कि प्रवालों का विकास मतलब तटीय क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलता है ठीक है कहा पर थे हाँ बढ़े आगे तो तीन प्रकार के प्रवाल भित्तियां हैं ऑस्ट्रेलिया वाला क्लियर हो गया ब्रीफ में ये बात है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में प्रवाल विरंजन ज़्यादा हो रहे हैं दक्षिण वाले हिस्से में उत्तर क्यों क्योंकि क्वींसलैंड में जो कोयले की माइनिंग हो रही है मुख्यतः कहाँ हो रही है उत्तरी इलाके में और कौन से पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है पोर्ट डगलस और पोर्ट केन्स क्लियर हो गया तो पोर्ट ये दोनों पोर्ट हैं उत्तर में अवस्थित है तो इसके आसपास प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होगा सोचिए कि कोयला कहीं से किसी खदान से लाया गया ट्रक से और जहाज में भरा जा रहा है तो जहाज में जब भरा जा रहा होगा और जब कोयले के ऊपर से नीचे गिराते होंगे तो कितना डस्ट उड़ता होगा वो आसपास के समुद्र में धीरे धीरे करके सेटल होता होगा कि नहीं और सेटल होता होगा तो जो क्लॉगिंग है उनके माउथ का वो कितना ज्यादा होता हो उसके बाद लगातार जहाज खड़े रहते होंगे और जहाज खड़े रहते होंगे तो डीजल का रिसाव हो गया कुछ चीजें हो गई तो उस स्थिति में प्रदूषण का लेवल क्या होगा अपेक्षाकृत ज्यादा होगा चुनौती होगा चैलेंजेस होंगे ठीक हो। है हाँ आपके बिना तो क्लास ही नहीं हो पाता है बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो पोल्यूशन रहेगा वहीं पे तो प्रवाल भीतिया ज्यादा रहेगा ना जहाँ मतलब प्रदूषण शॉर्टकट में पूछ रहे हैं मतलब उसका व्याख्या थोड़ा ज्यादा है अच्छा पर एक जहा, में जहाँ जहाँ प्रदूषण ज्यादा होगा वहाँ प्रवाल होंगे वहाँ पे प्रवाल भीतिया ज्यादा पाई जाएगी गजब कैसे जैसे वहाँ पे ये पॉल्यूशन रहेगा तो वो बादलों में वो जो ऊपर कन जाएगा फिर बारिश होगी वही कारण तो है ना बारिश होने का सर, वो सर्वाधिक हम बोले अब हम जब क्लास की शुरुआत किए ठीक है थोड़ा मामला ज्यादा सीरियस हो गया था थोड़ा हल्के हो गया लाइट हो गया हम थोड़ा हम ये कह रहे थे जब हमने पहला जो शुरुआत किया क्लास का इस मतलब इस टॉपिक का तो हमने ये बात रखी थी कि प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या चाहिए तो उसमें हमने यही कहा प्रदूषण मुक्त अगर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्रवाल उसको एवॉयड करते हैं यही बात रखा था गाद बालू मिट्टी भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 10 तो प्रदूषण जहां जहां पर भी होगा चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो चाहे कुछ अन्य सीवेज का वेस्ट हो चाहे केमिकल्स हो उन क्षेत्रों को प्रवाल एवॉयड करते हैं उन क्षेत्रों पर रहना पसंद नहीं करते जहां पानी बहुत खारा हो वहां नहीं रहेंगे जहां पानी मीठा हो वहां नहीं रहेंगे इनको 30 से 34 प्रतिशत के आसपास का खारापन चाहिए मतलब एक लीटर पानी में 30 से 34 ग्राम के आसपास मिनरल की मात्रा होनी चाहिए ये बताए थे तो बारिश ज़्यादा जहां होगी वहां पे फिर परवाल भीतिया का कोई उससे मतलब कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है का मतलब है कि जनरली विकास में बाधा आती है तो ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ पे जो दिखा रहे थे पिक्चर उसमें जो प्रवाल भीतियाँ थी तो वहां तो ऊपर में तो बारिश सर्वाधिक यही कारण हो सकता है एक रीजन ये भी तो है हो सकता है हो सकता है एक कारण हो सकता है बिल्कुल वो भी कारण हो सकता है लेकिन जो मेजर कारण अभी करंट का है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो क्योंकि क्योंकि अगर बारिश होता तो हजार ये प्रवाल एक दिन में नहीं बनते इनको बनने में हजारों लाखों सालों का समय लगता है तो यहां पर तो घर ही नहीं बनाते वो अगर यहां पर वर्षा ही एक फैक्टर होता तो क्लियर है इन्होंने घर बनाया आज उनका घर क्षतिग्रस्त हो रहा है और घर क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसके कुछ तर्क हैं और उसमें एक कारण है प्रदूषण पॉल्यूषण एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अब प्रदूषण तो है ही और उसमें अगर मान लेते हैं एल दिनों का साल हो जाए और यह हिस्सा अपेक्षाकृत और गर्म हो जाए तो प्रवाल विरंजन की घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी कैटोस्ट्रॉफिक होंगी सत्तर से ज्यादा हो सकती है क्लियर है तो संकट और गहराएगा तो जहाँ मतलब कहने का मतलब फिर तो वहाँ पे हास भी होगा उस तरीके से हासी हो रहा है ना हाँ हा, का मतलब हासी ओके बढ़े सर ठीक सर ये सर इसका जो पवन का अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होता है इसका भी इफेक्ट पड़ता है क्या प्रवाल भित्तियों पे पड़ता है तो अपवेलिंग में क्या होगा सर डाउनवेलिंग में क्या होगा एक बार ही बता दें अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का सिंपल मतलब ये है आप बताना चाहते हैं क्लास लंबा हो जाएगा जल्दी जल्दी करके बढ़ते हैं अब फिलिंग और डाउन विलिंग है सिंपल मतलब महासागरी धाराओं से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अब मान लेते हैं कहीं पर गर्म जल की धारा चल रही है ठंडे जल की धारा चल रही है तो आराम से सोचिए कि जब ठंडे जल की धारा चल रही है आराम से सोचिए इस बात को आप बड़े आराम से बता देंगे कि कोई एक जगह है जैसे पेरू का तट है वहाँ का पानी कुछ नॉर्मल होगा उतने में अंटार्क्टिका के क्षेत्र से पानी पहुँच जाए पेरू में तो पेरू की तुलना में वो ठंडा होगा या गर्म होगा सहमत है ठंडा होगा तो ठंडा पानी प्रवाहित हो गया तो क्या ठंडे पानी के नीचे गर्म पानी है तो गर्म पानी क्या ठंडे पानी से हल्का है जैसे ये धारा ऊपर से जाएगी क्या नीचे से पानी ऊपर आना चाहेगा आना चाहेगा इसको अप वेलिंग कहते हैं इसको क्या कहते हैं अप ऊपर की तरफ अब ये बताइए कि नीचे जो मिनरल्स इकट्ठे हुए होंगे जो नीचे जा रहे होंगे क्या अप के फेना से ऊपर आ जाएंगे तो मछलियों का पार्टी शुरू हो जाएगा है ना नहीं तो अपेक्षाकृत क्या होगा अपवेलिंग मत्स्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है तो ठंडा पानी अब ठंडे पानी की जगह गर्म कर दीजिए पेरू की धारा की जगह एल नीनो लगा दीजिए तो ऊपर वाला पानी गर्म हो गया और नीचे वाला ठंडा है क्या ये पानी नीचे ये क्या ये ठंडा पानी ऊपर आ पाएगा नहीं आ पाया और ऊपर वाला जो गर्म पानी है वो ठंडा होकर नीचे बैठेगा तो नीचे जब बैठेगा तो क्या अपने साथ मिनरल्स जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर है जैसे कि क्या कहते हैं फाइटो प्लैंगटोन और जू प्लैंगटोन तो क्या ये नीचे बैठेंगे तो ऊपर मछलियों के लिए जो भोजन है उसकी मात्रा में कमी आएगी कमी आएगी तो यहां पर मत्स्य उद्योग डाउन वेलिंग प्रवाल पे ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं सपोज करिए एल दिनों का समय है और ऊपर गर्म पानी है और ये गर्म पानी नीचे बैठना शुरू कर दे तो जहां पर प्रवाल की गहराई है साठ से सत्तर मीटर का क्या वहां लगातार गर्म पानी की सप्लाई बनी रहेगी और गर्म पानी इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं एक पॉइंट के बियॉन्ड तो क्या डाउन के फेनामेना से अपेक्षाकृत संकट गहराएगा तो इसलिए एल दिनों के साल में जब डाउन का साल होता है उस साल विरंजन की घटनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलती बढ़े अब सारी कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है ट्विस्ट ये है कि करंट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कुछ प्रवाल ऐसे होते हैं जो जुजेंथले के बिना भी रह सकते हैं इतना टॉर्चर किया होगा जुजेंथले ने कि मैं जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं प्रवाल ने कि जाओ। रह लूंगा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा तो एक विशिष्ट प्रकार का प्रवाल हो गया जो कह रहा है कि मैं अकेले भी रह सकता हूं जिसका नाम है क्या मतलब तो प्रवाल हमेशा तो आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट गलत होगा क्लियर हो गया आज के करंट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दुनिया में ऐसे प्रवाल भी पाए जाते हैं वो जो के साथ रहना पसंद मतलब बिना जुजेंथले के भी रह सकते हैं सह संबंध की जरूरत नहीं मतलब इनको रिसोर्सेस चाहिए मिनरल्स चाहिए लेकिन ये मिनरल जो है वो जुजेंथले से ग्रहण नहीं करते बस सिंपल सा पॉइंट ये है कि ग्रहण तो इन कहीं करेंगे कहीं ना कहीं से लेकिन जुजेंथले से ग्रहण नहीं करेंगे इसको हम क्या कहेंगे ए जुजेंथले में <coughs> भारत में दो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता है और जुलॉजी मतलब जीव जंतु तो प्रवाल भी एक जीव है तो उसका खाखा उसका स्ट्रक्चर उसका डेटा मेंटेन करने का काम कौन करता है जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो देखते हैं ना कि भारत में आज कछुआ मिला भारत में एक मिढक मिला एक नए प्रकार का सांप मिला एक बटरफ्लाई मिला उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का समय समय पे भारत का सर्वे करता रहता है तो नए नए जीव दोनों नए स्पीसी के बारे में पता चलता है किसी संस्था के साथ किसी एन के साथ मिल करके काम करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो दोनों गए या कोई यूनिवर्सिटी है उसके कुछ प्रोफेसर के साथ मिलकर के काम किया तो कोई भारत में जीव जंतुओं के बारे में पता चला तो भारत का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार भारतीय या जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ए जुजेंथले मोगा की चार प्रजातियों को दर्ज किया है इसका मतलब है कि भारत में दोनों ही प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं वाला भी और ए जुजेंथले वाला भी ठीक हो गया यहां तक अब यहां पर ये चार प्रजातियों के बारे में नहीं पूछेगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रवाल भित्तियों की प्रजाति को एसुजेंथले मुंगा कहा जाएगा तो हां कहा जाएगा क्या वो प्रवालों के बिना रहते हैं तो हाँ प्रवालों के बिना भी रहना पसंद करते हैं एसुजेंथले मूंगा मुंगो का एक ऐसा समूह है जिसमें जुजेंथले नहीं होता है ये सूर्य से नहीं बल्कि पलवक से अलग अलग रूपों से पोषण प्राप्त करते हैं पलवक का मतलब क्या है जैसे हमने कहा हमने कहा एलगी तो एलगी भी एक तरीके से फोटो काई ही है फोटोसिंथिस की क्रिया ही कर रहा है सेम सिचुएशन किस किसका है फाइटोप्लैंगटॉन का फाइटो का मतलब है कि छोटे छोटे पेड़ समुद्र में जो छोटे छोटे आप समझ लिए कि अगर जमीन पे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं पेड़ पाए जा रहे हैं तो समुद्र में उन पेड़ों को हमने नाम दे दिया बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म फाइटोप्लैक्टोन जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं तो उनके पास खनिज है उनके पास मिनरल्स है तो ये मिनरल्स किससे ग्रहण कर रहे हैं एजेंथले की जगह फाइटोप्लैंगटॉन से और फाइटोप्लैंगटॉन तैरते रहते हैं फाइटोप्लैंगटॉन क्या होता है समुद्र की सतह पे तैरते रहते हैं तो इनको एक मंच मिल जाता है इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है किससे प्रवालों से तो प्रवालों ने मंच प्रदान कर दिया और उसके माध्यम से ये उसको ग्रहण कर रहा है तो एजुजेंथले का रोल कौन प्ले कर रहा है फाइटो क्लियर है तो हमने क्या कहा एजुजेंथले मूंगा कहा अगर यूपीएससी से यही स्टेटमेंट दे कि एजेंथले मूंगा वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा भोजन आज भी इनको बनाने नहीं आता है लेकिन उसकी पूर्ति कौन कर रहा है जुजेंथले की जगह फाइटो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है क्या भारत में पाया जाता है हाँ भारत में पाया जाता है क्या केवल भारत में पाया जाता है नहीं दुनिया के लगभग सभी समुद्र में पाया अटलांटिक हिंद और प्रशांत सभी जगह पाया जाता है जैसे प्रवाल के ये समूह पहले जापान से फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के जल क्षेत्र मतलब अलग अलग जगह पाए जाते हैं ये बताइए कि ये जो प्रवाल होंगे क्या ज्यादा गहराई पे हो सकते हैं ज्यादा गहराई पे हो सकते हैं तो ये मुलायम होंगे कि कठोर होंगे क्लियर है ये कठोर प्रवाल होते हैं कैसे होते हैं कठोर होते हैं क्लियर हो गया क्योंकि नीचे तक रह सकते हैं ना <coughs> अपेक्षा ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं बढ़े आगे बढ़े आगे एक छोटा सा बस और प्रवाल की वृद्धि के लिए शर्तें वही जो कंडीशन बताए थे वही कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या प्रवालों का महत्व होगा हो पूरा मालदीव्स उसका दाना पानी इसी से चल रहा है ना तो इको सिस्टम सर्विसेज इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें गल्फ ऑफ मन्नार उथला सागर है तो तमिलनाडु के किनारे जो मछुआरे हैं उनको अगर खूब मछलियाँ मिल रही हैं तो उसका कारण क्या है नीचे प्रवाल भेजती है मुंगा है ना कोरल राम सेतु है ना मतलब माना जाता है कि वो प्रवालों का बना था अंदर से खोखला होता है तैरता है पानी पे तो वही है मतलब उसी के बारे में है प्रवालों के सामने खतरा है क्या जलवायु परिवर्तन एक प्रॉब्लम है ये जो मछलियां होती हैं वो रंग बिरंगी मिलती हैं यहाँ पर तो वो क्या होता है एक्वेरियम में इस्तेमाल होता है तो एक छोटा सा मछली पकड़ लिया दो सौ रुपये का तो अगर ऐसे दस बीस मछलियां पकड़ लिए तो है ना तो उस उस मछुआरे का तो काम हो गया ना कि कहने का मतलब तो उसके लिए क्या करेंगे उन प्रवाल वाले क्षेत्रों में जाल डालेंगे और उनका जाल प्रवाल के जो नुकीला नुकीला निकला उससे फंसेंगे फसेंगे उसको खींचेगा टूटेगा टूटेगा तो प्रवालों का विरंजन तेज गति से होगा ये सब सारी चीजें होंगी प्रदूषण बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन एक मेजर ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज से क्या समुद्र का सतह गर्म होता है और समुद्र का सतह गर्म होता है तो ज्यादा सागर उष्म होगा तो क्या प्रवाल विरंजन होगा क्या समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या वो ज्यादा गहराई पे पहुंच जाएंगे और ज्यादा गहराई पे पहुंचेंगे तो भोजन बनाने के लिए जो शैवाल हैं वो उस मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो संकट की स्थिति हो जाएगी तो वो एक होगा क्या चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगा महासागरों में और चक्रवातों का मतलब क्या हो गया अपेक्षाकृत पवने तेज गति से चल रही हैं या सागर बहुत ज्यादा उथल पुथल है तो इसका मतलब है कि जो सागरी तरंगे बहुत तेज गति से चलेंगी पवनों के तेज गति से चलने के कारण उससे क्या प्रवालों को डैमेज पहुंचेगा डैमेज पहुंचेगा तो करंट प्रॉब्लम या जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ चक्रवात और उनकी ऊर्जा लगातार बढ़ती चली जा रही है इस संदर्भ में फूजीवारा इफेक्ट की चर्चा भी किए थे कि दो चक्रवात आपस में फ्यूज़ भी कर रहे हैं दुनिया के बहुत सारे इलाकों में जापान के पास तो दो चक्रवात अगर मिल जाते हैं तो चक्रवात और संकटपूर्ण हो जाएगा तो प्रवाल विरंजन की घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी तो ये कारण होगा वर्षण में परिवर्तन होगा क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून के पैटर्न रेनफॉल के पैटर्न में परिवर्तन होगा वर्षा के में पैटर्न में परिवर्तन होगा तो क्या कुछ हिस्सों में ज़्यादा वर्षा हुई तो लवणता में कमी और किसम वर्षा कम हुई तो लवणता की मात्रा का ज़्यादा होना और प्रवालों को दोनों पसंद नहीं है न लवणता का ज़्यादा होना न लवणता का कम होना तो ये भी संकट की स्थिति होगी प्रॉब्लमेटिक होगा क्या समुद्री धाराओं में बदलाव हो सकता है क्या कमज़ोर पड़ सकते हैं इसकी चर्चा अटलांटिक मेरिडोनल और सर्कुलेशन में विस्तार से किए थे तो उस पूरी प्रक्रिया में अटलांटिक मेरिडोनल और सर्कुलेशन क्या है है ना ए एम क्या कर रहे हैं वो मिनरल्स लेकर के आते हैं और मिनरल्स लेकर के आते हैं तो खाना भोजन कौन बनाता है जुजेंथले बनाता है ना उसको मिनरल्स मिलेगा तभी तो खाना बनेगा और महासागरी धाराएं मिनरल्स लाने का काम करती हैं अगर वो कमज़ोर पड़ जाएं जैसे गल्फ धारा है वो कमज़ोर पड़ जाए तो गल्फ के क्षेत्र में मैक्सिको के क्षेत्र में ऊर्जा कम या न्यूट्रिशन कम पहुँचेगा और न्यूट्रिशन कम पहुँचेगा तो जो जुजेंथले है वो भोजन कम बना पाएगा कम बना पाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे मतलब कुल मिलाकर के प्रवाल का विकास या तो डिक्लाइन करेंगे या स्लो डाउन करेंगे और क्या लवण क्या अम्लीकरण की समस्या बढ़ सकती है सीओटो की मात्रा बढ़ेगी तो क्या अम्ल बढ़ेंगे और अम्ल बढ़ेंगे तो कैल्शियम क्या घुलनशील होगा घुलनशील होगा है ना तो इसका मतलब है कि प्रवालों का स्ट्रक्चर क्या होगा कमजोर होगा तो प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ेंगे तो करंट प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो क्या प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं अपेक्षा के ज़्यादा है तो ये सारे उसके तर्क ये सारे उसके रीजन्स अब एक बस लास्ट पॉइंट है वो ये कि प्रवालों के इन प्रॉब्लम्स को साधने के लिए क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं तो प्रयास चल रहे हैं एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ये लगातार प्रवालों पे ना प्रवालों पे अलर्ट जारी करता है लगातार दुनिया भर के प्रवालों पे नजर रखता है और जहां पर भी संकट की स्थिति आती है इमिडिएटली अलर्ट जारी करता है उन देशों के लिए कि आपके इन इन हिस्सों में अपेक्षाकृत प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ रही हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कार्य कर रही है प्रवालों को बचाने के लिए उसका नाम क्या हो गया इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और कुछ देशों ने मिलकर के किया था क्या इन देशों में भारत का नाम है तो भारत इसका फाउंडर मेंबर है नहीं लेकिन अभी कितने सदस्य हैं 101 क्या अब भारत इसका मेंबर है तो कहीं लिखा होगा भारत इसका मेंबर है कहीं लिखा होगा पढ़ लीजिएगा जहां भी लिखा है पढ़ लिया ना भारत इसका मेंबर है ठीक है ना भारत इसका सदस्य लेकिन भारत के इसका फाउंडर है तो भारत इसका फाउंडर मेंबर नहीं क्लियर हो गया इतना ध्यान में रखना है अब ये कुल मिलाकर के कर क्या रहा है ये कह रहा है ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा तो एक प्रभाव विरंजन पे पड़ेगा मतलब कोरल ब्लीचिंग होगी तो कोरल ब्लीचिंग को साधने के लिए मतलब तापमान तो बढ़ ही तो जो हमने फैक्टर पीछे देखे ये सब चीजें तो होंगी ही और ये सब चीजें होंगी तो विरंजन की घटनाएं बढ़ेंगी तो क्या वैश्विक रूप से दुनिया के देशों को क्या विरंजन को रोकने के लिए फंड प्रोवाइड करना चाहिए जैसे कॉप में एक नया फंड बना लॉस एंड डैमेज फंड तो लॉस तो होगा ना तो लॉस और डैमेज फंड मतलब जो प्रवाल विरंजन का लॉस हो रहा है जो डैमेज हो रहा है तो क्या प्रवाल विरंजन के लिए दुनिया के देशों को कुछ फंड मुहैया कराना चाहिए अगर फंड मुहैया नहीं करेंगे तो रिसर्च कैसे होगा कुछ प्रयास कैसे होंगे एफ़र्ट कैसे लगाए जाएंगे उसको साधने को लेकर के अभी बताते हैं एफर्ट क्या होगा लेकिन एफर्ट लगाने के लिए कुछ पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इंटरनेशनल कोरल रिलीफ इनिशिएटिव कह रहा है कि ब्लेंडेड फाइनेंस कुछ सरकारें पैसा दे दें कुछ लोकल गवर्नमेंट पैसा दे दें कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पैसा दे दें कुछ ग्रांट मिल जाए कुछ लोन मिल जाए लेकिन उसका हम अगर हमने प्रावधान नहीं किया तो हमको मालूम है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और उसका प्रभाव नेगेटिवली तो पड़ना तय है तो अगर हमने फाइनेंशियल सपोर्ट का व्यवस्था नहीं किया तो जीरो से तीस डिग्री के बीच में मुख्यतः दुनिया के गरीब देश रहते हैं और अगर हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया तो अधिकतर इन्हीं आइलैंड्स इन्हीं तटीय क्षेत्रों के आसपास हमको प्रवाल देखने को मिलते हैं तो हमको इनके वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ये रिपोर्ट कह रहा है कि लगभग लगभग बाय 2030 तक कहीं लिखा होगा बारह बिलियन डॉलर के आसपास लिखा हो यह बारह है ना इसका मतलब है कि बिलियन डॉलर के के आसपास निवेश की जरूरत आने वाले समय में पड़ेगी और इसको हमको जुटाने को लेकर के आज से कार्य करना पड़ेगा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव एक प्रयास करना चाहता है ताकि जो भी फंड जो भी रिसर्च की जरूरत हो उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव अब ये फंड इनको मिल जाएगा तो ये करेंगे क्या एक तो दुनिया भर में रिक्रूटमेंट करेंगे लोगों का उनको ट्रेन करेंगे कि कैसे बचाया जाना चाहिए कैसे कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए कैसे अगर कोई संकट आए तो अलर्ट जारी करना चाहिए अगर हम ऐसा मॉनिटरिंग का नेटवर्क नहीं बनाए बनाएंगे और समय रहते उसको नहीं साधेंगे तो एक बार अगर विरंजन हो गया तो एक प्रवाल एक क्षेत्र में जब विकसित होता है तो उसको कॉलोनी बनाने में कम से कम अस्सी हज़ार साल से एक लाख साल लगते हैं यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं बनेगा लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत मंद होगी अत्यंत स्लो होगी तो हमको इसको लॉस होने से पहले समझ लेना है कि लॉस होने की स्थिति में पहुंच रहा है उससे पहले ही रिकवरी की तरफ इसको कर दे नहीं तो अपेक्षाकृत रिकवर तो हो जाएगा होने आने वाले समय में हो सकता है कि रिकवर हो जाए लेकिन उस समय के लिए जो जैव विविधता का हास हो गया है वो अगले कुछ सौ सालों तक हमको देखने को नहीं मिलेगा क्लियर है और क्या पता कुछ बीमारियों का इलाज वहां पर छुपा हुआ है ना जैव विविधता को तो इसलिए बचाना चाहते हैं ना कि प्रकृति ने अगर एक समस्या हमको दी है तो प्रकृति में ही उस समस्या का समाधान भी होगा बस हमको इस पज़ल को समझना पड़ेगा और इस पजल को समझने के लिए जो भी जीन या जेनेटिक डाइवर्सिटी है या जो भी जैव विविधता है उसको संजोना पड़ेगा नहीं तो एक बार अगर उसका हास हो गया तो हो सकता है संभवता हमको उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का इलाज कभी नहीं मिले जैसे मैंने क्लास में कई बार बोला है मलेरिया का इलाज कहाँ मिला ब्राज़ील के जंगलों में सुन सिंकोना पेड़ की छाल पर वहाँ पर वो केमिकल मिला तब हमको पता चला कि ये केमिकल से ये मच्छर नेगेटिवली प्रभावित होता है फिर हमने उसका वैसा केमिकल पूरी दुनिया भर में बना दिया लेकिन अगर सिंकोना नहीं मिलता हो उस केमिकल के बारे में नहीं पता चलता तो शायद मलेरिया का इलाज नहीं मिलता तो कहाँ समस्या कहाँ इलाज है कि नहीं इसलिए जैव विविधता को बचाना जरूरी तो इस संदर्भ में आई आई ऐसा करने का प्रयास कर रहा है इसमें अब जैसे हमने एक बात कर लिया कि इसके लिए इनिशिएटिव ले रहा है इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहा है तो इस पैसे का करेंगे क्या जैसे कहीं पर प्रवाल विरंजन अगर हो रहा है तो उस प्रवाल विरंजन को रिवर्स कैसे करें तो उसके लिए एक तकनीक है, की टेक्निक की तकनीक बायोरॉक बायो का बायो सिंपल मतलब यह है भारत में गुजरात के तट पे ऐसा प्रयास हो रहा है यह है ना प्रवाल क्या है प्रवाल कहते हैं ना कि, कि आ, कौन किसको देख करके रंग बदलता है गे, गिरगिट किसको देख करके रंग बदलता है खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है चलिए ठीक यहां पर पॉइंट यह है कि ये जो प्रवाल है ना प्रवाल इनको ये चूंकि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं तो हमेशा उन क्षेत्रों का चुनाव करना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर इनके पूर्वज रह रहे हो मतलब ये सेफ खेलते हैं कि यार नया जगह नहीं चुनेंगे उन जगह का चुनाव करेंगे जहाँ पर हमारे पूर्वज पहले मतलब उसके ऊपर जा करके अपना घर बना लो फिर दूसरा आएगा उसके ऊपर बना लेगा इसका मतलब है कि वो ये समझेगा कि यार ये एरिया सेफ होगा तभी यहाँ पर लोग रह रहे हैं मतलब मेरे भाई बंधु रह रहे हैं है ना मेरे मित्र रह रहे हैं तो मैं जाता हूँ वहीं पर जाकर के अटैच हो जाता हूँ तो प्रवाल उन जगहों का चुनाव करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्रवाल भित्तियाँ बनी हुई हैं कॉलोनीज़ बनी हुई हैं तो हमको इनको ये फील कराना पड़ेगा ना कि देखो यहाँ प्रवाल भित्तियाँ हैं तो वैसे कैसे करेंगे एक जैसे मान लीजिए लोहे का ये एक स्ट्रक्चर है इसमें हमने बिजली का तार लगा दिया जैसे इसको सिंपल ऐसे समझना है तो ऐसा समझिए कि अभी ठंड पड़ रहा था तो क्या आप वाटर हीटर का इस्तेमाल करते होंगे तो बाल्टी में आपने वाटर हीटर लटकाया नया नया खरीद के आए चमक रहा है वो वाटर हीटर और कुछ समय के बाद क्या लगता है उसके चारों तरफ कुछ लेयर एकत्रित होना शुरू हो गया देखते है देखते हैं ना वाइट वाइट कलर का एक लेयर एकत्रित होना शुरू वो वाइट लेयर कैल्शियम का लेयर है वो व्हाइट लेयर कौन सा है कैल्शियम जब बिजली का तार दौड़ाया जाता है लोहे में तो पानी में जो कैल्शियम होता है वो पानी से अलग होकर के उस लोहे में एकत्रित होना शुरू हो जाता है इसलिए आपका जो आयरन रॉड है वो वाइट कलर का हो जाता है मतलब उसके चारों तरफ एक वाइट कलर का लेयर जो कि कैल्शियम का होता है एकत्रित होना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं लोहा लेते हैं इस लोहे में हल्का बिजली दौड़ाते हैं अब बिजली दौड़ाएंगे तो क्या होगा इसमें धीरे धीरे करके कैल्शियम का लेयर आना शुरू हो जाएगा अब कोई प्रवाल यहाँ से गुजरा और उसने देखा कि यार यहाँ तो कैल्शियम है है ना कैल्शियम मतलब मेरे मित्र है तो आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा फिर चौथा आएगा और धीरे धीरे करके यहाँ पर प्रवाल की कॉलोनी विकसित हो जाएगी तो ऑल इज वेल ऑल इज वेल बोलना पड़ेगा ना उसको कि यार यहाँ सब कुछ अच्छा है ये कुछ तरीका है प्रवाल भेतियों का इसी को कहा गया बायो रॉक बायो मतलब जीवन का चट्टान तो इस तरीके का एक, एक स्ट्रक्चर बनाए और गुजरात में एक्सपेरिमेंट काफी सफल रहा है तो सफल रहा है तो जहां जहां पर विवरंजन की घटनाएं तेज हैं क्या वहाँ रॉक की तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है तो दुनिया के देशों के साथ ये साझा भी करना पड़ेगा इसमें निवेश भी करना पड़ेगा और सोचें कि ये छोटा मोटा निवेश नहीं होगा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में हो सकता है कि हमको ऐसा करना पड़े तो उसके लिए फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी है ना उसके लिए रिसोर्स चाहिए लोग चाहिए स्किलफुल पर्सन चाहिए तो हमको एक पूरा जनरेशन इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा इसी का नाम क्या पड़ गया बायो रॉक की तकनीक किसके द्वारा भारत में प्रयास हो रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात सरकार के साथ मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट कर रही है ठीक है मीठापुर कोस्ट है गुजरात में वहाँ पर ये प्रयास हो रहा है और काफ़ी सफल रहा है तो ऐसी स्थिति में भविष्य में बायो रॉक की टेक्निक के बारे में क्या सुनेंगे कि देश के अलग अलग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं मतलब प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप में पाए जाते हैं है ना गल्फ ऑफ मन्नार के क्षेत्र में पाए जाते हैं तो जहाँ जहाँ पर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में भविष्य में अगर विरंजन की घटनाएँ बढ़ती हैं तो हम इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मतलब रिकवरी के लिए क्या हम बायोरॉक की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक पॉइंट हो गया बस एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पॉइंट ये है कि लास्ट पॉइंट रॉक के बारे में लिख दिए हैं इसको पढ़ लीजिएगा एक जो वेस्ट इंडीज है या आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के पास जो कैरिबियन सागर है उसमें जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनको इकट्ठा हम कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं तो कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास भी प्रवाल पाए जाएंगे फ्लोरिडा फ्लोरिडा कीज बताए थे क्लास में फ्लोरिडा फ्लोरिडा की कुंजी जिसको कहा जाता है प्रवालों के बने हुए तो कैरिबियन द्वीप जो उथले सागर है ज्वालामुखी बैरियर रीफ रिंजन रीफ ये सब बन रहे होंगे वहां पर भी तो यहाँ पर प्रवाल पाए जाते हैं यहाँ पर जो प्रवालों का अध्ययन हुआ तो यहाँ जो प्रवाल पाए जा रहे हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के हैं जिनको कहा गया स्टैग हॉर्न स्टैग मतलब क्या होता है कि हिरण होता है ना हिरण का जैसे सींग निकला होता है हॉर्न स्टैग मतलब हिरण और उसका सींग निकला होता है तो ये प्रवाल जो होते हैं ऐसे कुछ इनके सींग से निकले होते हैं तो इसको कहा गया स्टैग हॉर्न कौन सा स्टैग हॉर्न तो स्टैग हॉर्न क्या है प्रवालों का ही एक प्रकार है जैसे एंथले है वो प्रवालों का ही एक प्रकार है है ना जो बिना शवाल के रह सकता है ऐसे ही ऐसे प्रवाल प्रवाल जनरली खुरदुरे होते हैं लेकिन सींग उनका निकला हुआ ऐसा कम देखने को मिलता है और ऐसा मिलता है या ऐसे प्रवाल मिलते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं स्टैग हॉर्न क्लियर है कैरिबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग हॉन कुरल का एक जीनोम वाइट सर्वेक्षण किया गया था सर्वेक्षण के क्रम में इस कुरल में वाइट बैंड यानी कि कोरल में एक डिजीज लगता है जिसको हम वाइट बैंड डिजीज कहते हैं है ना मतलब एक इन्फेक्शन होता है जिससे प्रवालों का विरंजन ज्यादा तेज गति से होता है जिसको हम व्हाइट बैंड या व्हाइट बैंड डिजीज के नाम से जाना जाता है ऐसा इसमें देखने को मिला विशेषताएं स्टैगहॉर्न कोरल कैरिबियन क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रवालों में से एक है तो कहा मुख्यतः पाए जाते हैं पिछले पांच हजार वर्षो में निर्माण किया है। मतलब जो और, स्टार है, ये और मतलब स्टारशिप हो गया एल्कॉर्न मतलब एक हॉर्न वाला हो गया स्टैग हॉर्न हो गया दो हॉर्न वाला हो गया हॉर्न कोरल उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं जिन्हें थिकेट्स कहा जाता है थिकेट मतलब मोटा है अपेक्षाकृत ये प्रवालों ये इन प्रवालों की कोशिकाओं के अंदर रहने वाले प्रकाश संश्लेषण सवालों से भोजन प्राप्त करते हैं वो तो नॉर्मल ही है मतलब किस प्रकार का प्रवाल है जुजेंथले वाला है मतलब ये जो स्टैगहॉन है ये किस प्रकार का प्रवाल है जुजेंथले वाला तो बस आप एक नाम ध्यान में रख लें कि प्रवालों का एक प्रकार जिसको हम स्टैगहॉन कहाँ कहा पाया जाता है मुख्यतः कैरिबियन सागर में दैट्स इट इससे ज्यादा जरूरत नहीं ताकि मतलब एटलीस्ट ये नाम ना मालूम हो तो हो सकता है ना कि पढ़े ही नहीं है मालूम ही नहीं है कि स्टैगहॉन क्या होता है तो दिक्कत हो सकता है कहाँ पाए जाते हैं इंडोनेशिया में समूह ठीक है ये कुल टॉपिक आपका प्रवाल भित्तियों को लेकर के था तो हमने प्रवाल भित्तियों का टॉपिक भी कर लिया ये आज का कुल टॉपिक था तो आज इतना ही रहने देते हैं। है ना चलिए चलिए ऑल द बेस्ट हैप्पी होली